हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीएस से महत्वपूर्ण 500 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका संबंध आपके क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका वर्ष 1961 ईस्वी से किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो भारत की मानक समय रेखा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो आपके इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो आपके विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन है कि मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, लियानो दा विंची की है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है, तो स्वांग आपका हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो इसका फैसला आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो विश्व का पहला देश आपका भूटान है। गोदान किसकी रचना है, तो गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, H1N1 से फैलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके संसद सदस्य के द्वारा किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ आपके चित्तौड़ में स्थित है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह आपका हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, तो देखिए अमरकंटक से आपका 3 नदी का उद्गम होता है। एक आपकी नर्मदा नदी है, एक आपकी सोन नदी है और एक आपकी जोहिला नदी है। तो तीनों नदी को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपके राजस्थान राज्य में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था, तो आपके सूरत में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक आपके अबुल फजल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो देखिए अगला आपका क्वेश्चन किधर गया 500, देखिए यही क्वेश्चन था 522 कि आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो आईने अकबरी पुस्तक आपके अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो बुली शब्द आपके बुली जो शब्द है ये आपके हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि उड़न परी किसे कहा जाता है, तो उड़न परी आपका पीटी उषा को कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है, तो झीलों की नगरी आपका उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना आपके 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह आपका मुंबई के ट्रांबे में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सन 1928 के बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो मुगल वंश की स्थापना आपके बाबर के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किरण बेदी है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम था। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रिकेट में उपयोग किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऑस्कर पुरस्कार आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइकल जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपके उदयन के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण आपके मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है, तो आपके पटियाला में स्थित है। आंगा खा कप किस खेल में संबंधित है, तो आंगा खा कप का संबंध आपके हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप इंजन का आविष्कार आपके जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो का आविष्कार आपके इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो आपकी भंडार नायकी थी। और ये कहाँ के रहने वाली थी, तो ये आपकी श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज आपके एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोबेसिस के कारण बनता है। पराश्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है, तो विद्युत धारा की इकाई आपका एम्पियर होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कुनेन आपका सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रफलेसिया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो वो आपका शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंगबर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आपका काला दिखाई देता है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपका राष्ट्रपति बुलाता है। एलपीडब्ल्यू शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो एलपीडब्ल्यू का संबंध आपके क्रिकेट से है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो आपका ओजोन परत बचाती है। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो आपके अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने आपका बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह आपका हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ज्योति बसु रही है, जो कि पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी गंगा नदी है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो कांसा आपका तांबा और टिन का मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपके क्रिकेट से है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में आपका मीथेन पाया जाता है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/3 सदस्यों का चुनाव आपके हर 2 वर्ष बाद होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 4 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आपके राजा सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध आपके फुटबॉल से है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध आपके दल बदल विरोधी कानून से है। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और इब्न बतूता जो आया था, इसके पुस्तक का क्या नाम था? तो इसके पुस्तक का नाम आपका रहेला पुस्तक था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक आपके कालिदास है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो पल्लिया को कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इसे आपका देशांतर रेखा कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या आपका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो वो आपका अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है? तो इसे आपका धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1526, 1556 और 1761 के तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा के पानीपत में हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। भारत के पश्चिम तट में कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम तट में आपका अरब सागर है। और भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? तो देखिए भारत के पश्चिम में आपका अरब सागर है और भारत के पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका फ्रांस के पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1995 ईस्वी में किया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगला कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो आपका बैरम खान रहा था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। अगला क्वेश्चन है कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो आपके हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा आपका रूबेल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो आपका लोथल था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपके ऋषभदेव थे। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24 नंबर के तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपकी प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी के तट पर बसा है? तो कटक आपका महानदी के तट पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में आपका 2 अक्षर होता है, एक आपका 0 होता है और एक आपका 1 होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि लैन का विस्तार LAN का विस्तार क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपके कुशीनगर में हुआ था। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया था? तो आपको रंगून भेज दिया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वो आपकी आलम आरा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा आपका 15,200 किमी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2937 किमी है। अगला क्वेश्चन है कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। अगला आपको क्वेश्चन है कि जनगण मनगढ़ को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को घोषित किया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो यह आपका पटना में स्थित है। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आय के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, तो आपके 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, तो इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारते हैं, तो इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह आपका बैरन द्वीप है, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा काल है, जो कि आपके लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था, तो वह आपका अलास्का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल में संबंधित है, तो होपमैन का संबंध आपके टेनिस से है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो वह आपका चंद्रशेखर राव था। अगला क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह आपका गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश की औसत सीमा सबसे बड़ी है, तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि म्यांमार यानी कि वर्मा की मुद्रा कौन सी है, तो वह आपका क्यात है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो आपके क्षोभ मंडल में होता है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो वह आपका दक्षिणी चीन सागर है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आय में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसे आपका महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो वह आपका राष्ट्रीय विकास परिषद था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथुला दरा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दरा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है, तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से आपका श्रीधरन को जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, तो 3 माह तक होती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर रामचरित किसकी रचना है, तो यह आपका भावभूति की रचना है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था, तो आपका असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं, तो केरल के तट को मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। जैन अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है, तो फारसी का आपका धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1911 के कांग्रेस कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो पानी का रासायनिक नाम आपका H2O होता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वह आपका हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल में लवण की औसतन मात्रा कितनी होती है? तो औसत मात्रा आपका 3.5 होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह आपका प्रधानमंत्री होता है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो तारापुर महाराष्ट्र में किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो वर्ष 1969 ईस्वी से शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसे आपका महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो आजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो वह आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो उत्तर प्रदेश में आपका 80 है। और बिहार में कितना है? तो बिहार में आपका 40 है। और महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में आपका 48 है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म आपके कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि चौथी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुआ था? तो देखिए 98 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो आपके कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और कनिष्क के समय हुआ था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपका 0.03% है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.676 मीटर होता है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बिहार के सोनपुर में लगता है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से बांटती है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुआ था? तो देखिए 385 BC में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और यह आपका पाली भाषा में लिखा गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम आपका दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो इसे आपका कोंकण कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष शब्द, और आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। देखिए एक शब्द और जोड़ा गया था, तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। तीन शब्द कौन कौन सा था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द, समाजवादी शब्द और आपका अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 महीने का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये आपकी कालिदास की रचना है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भाग पर आपके वन पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बडी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? तो ये सभी शब्द आपके गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील सांभर झील जिससे नमक बनता है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हैं। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा आपका 1336 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो यह आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। मीन कैम्फ यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो यह आपका एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल आपका कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब लूटा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1024 ईस्वी में इसको लूटा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो असम का कांजीरंगा नेशनल पार्क आपका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 ईस्वी में लूटा था। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी पानी और आपका ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इनका संबंध आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह आपका जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जो कि आपकी शरावती नदी कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा नदी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो आपका वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ मिलती है? तो भारत की सोने की खान आपका कर्नाटक के कोलार में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो देखिए जब आपका संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अगर वर्तमान में बात की जाए तो अनुसूचियों की संख्या आपका 12 है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.3 सेकंड लगता है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है यह आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो गोल्ड कोस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध आपके तबला वाद्य यंत्र से है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज आपके 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के अधिवेशन में गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा खोजा गया था। वायुयान की खोज किसने की थी, तो वायुयान की खोज आपके ओलिवर और बिल्वर राइट बंधु के द्वारा किया गया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण आपके डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा किया गया था और ये आपके दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है, तो रोम को कहा जाता है। शंख संवत को राष्ट्रीय पंचाग के रूप में कब अपनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज आपके पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो 165 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो वह आपका भारतीय स्टेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा देश कहलाता है, तो सफ़ेद हाथियों का देश आपका थाईलैंड को कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। पद्मावत की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति आपके जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। सूझे वतन पुस्तक किसने लिखी है, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है, तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी, तो जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, तो वो आपका गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की सरस्वती की मृत्यु हुई थी, तो दीपावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी किसकी रचना है, तो कादम्बरी आपकी बाणभट्ट की रचना है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा आपका बिहार राज्य का है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपके वाशिंगटन में स्थित है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है, तो ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है, तो आपके ब्राह्मरी लिपि में है। अगला क्वेश्चन है कि रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है, तो आपके हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है, तो शुष्क सेल में आपका अमोनिया क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो मानस अभ्यारण्य आपके असम राज्य में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है, तो विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र आपका भारत का है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का आपका प्रतीक चिन्ह है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना आपके अशोक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता आपका 3 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो आपकी नर्मदा नदी पर है। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है, तो क्रिकेट पिच की लंबाई आपका 22 गज यानी कि 66 फीट है। इसकी अगला आपका क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, तो आपके रायसेन में स्थित है। रायसेन कहाँ पड़ता है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में हुआ था। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि 12 मार्च 1940 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर को किसने लंदन में हत्या की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उधम सिंह के द्वारा इनको गोली मारा गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो टोडा जनजाति आपका तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। भीलाला किसकी उपजाति है, तो जो आपकी भीलाला है ये आपकी भील की उपजाति है। अगला क्वेश्चन है कि असम का पुराना नाम क्या था, तो असम का पुराना नाम आपका कामरूप था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपका सन 1973 ईस्वी में किया गया था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है, तो सल्फर के कारण होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो सरकरिया आयोग का गठन किया गया था। पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, तो इसे आपका क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर आपके तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस देश में होता है, तो वह आपके भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोफीबिया होता है, या इसे रेबीज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य पालन से है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर का लेह है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है, तो शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेराल है। अगला क्वेश्चन है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के रिसाव में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले कौन से सुल्तान है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक है। विलय की नीति किसने लागू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1906 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो भू राजस्व व्यवस्था से है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी, तो वो आपकी लाहौर राजधानी थी। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पोलियो का टीका किसने खोजा था, तो पोलियो के टीके की खोज आपके जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। कोटा किस नदी के तट पर स्थित है, तो कोटा आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है, तो वह आपकी अमेजन नदी में है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसे आपका खरीफ फसल कहा जाता है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया है? तो निक चंद के द्वारा बनाया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुपीरियर झील है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध आपके कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। यानी कि 1857 की बात हो रही है। 1857 के समय आपके वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। कुका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो इसे आपका अष्ट प्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? तो ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो जहांगीर के समय पहुंच गया था। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई थी। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना आपके गुलबंद बेगम के द्वारा कराया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथपुरी का मंदिर आपके उड़ीसा में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आपके आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर के गुरु का नाम आपका अरस्तु था। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति आपका सेल्यूकस निकेटर था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो भारत के 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है और आपका नासिक में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आपका हैदराबाद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो वह आपका भारतीय रेल है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में चली थी, जिसका नाम था आपका डेक्कन क्वीन। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गजनी का सबसे अंतिम आक्रमण कौन था? तो वो आपका 1027 ईस्वी में था और किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गेंडा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो गेंडा परियोजना की शुरुआत आपका वर्ष 1987 ईस्वी में किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो आपका लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। यह आपका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार देखने को मिलता है, तो 29.2% भाग पर। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है, तो न्यू मीर द्वीप के कारण विवाद है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3214 किमी है। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की औसत सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था, तो पहले वहां पर आपका टेथिस सागर था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया था, जिसका नाम था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका पेरियार है, जो कि आपके केरल राज्य में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, तो वो आपका एंथ्रासाइट कोयला है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है, तो यह आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो पेले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो बास्केटबॉल में किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो मणिपुर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैमी बट शब्द किस खेल में जुड़ा है, तो इसका संबंध आपके शतरंज से है। चेक शब्द का संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी आपके शतरंज से है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है, तो ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अप्सरा है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है, तो दक्षिणी गंगोत्री इसे कहा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण किस रोग की जांच के लिए होता है, तो एड्स रोग की जांच के लिए होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है, तो नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन है कि खुरपा व मुँह पक्का रोग किन में पाया जाता है, तो गाय और भैंस में पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है, तो इसे आपका बिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, तो 27.78% है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगा अनुपात कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 943 है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंगा अनुपात सबसे कम है, तो हरियाणा में सबसे कम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक आपका बिहार में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है, तो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, तो मूल अधिकार आपके 6 प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सब शब्द जोड़े गए थे, तो देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द और आपकी अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है, तो सबसे अधिक वर्षा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, तो भारत में औसतन वर्षा आपका 118 सेंटीमीटर होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो सबसे पहले आपका केरल में प्रवेश करती है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था, तो 1982 में प्रारंभ हुआ था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पांडा को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है, तो इसका नाम आपका इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो ईमेल के जन्मदाता आपका रे टॉमलिंसन है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली है। अगला क्वेश्चन है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो दीपिका कुमारी का संबंध आपके तीरंदाजी से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो 17 भाषा में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है, तो फ्रांस की राज क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार आपका मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, तो वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि CPU का पूरा नाम क्या होता है, तो CPU का पूरा नाम आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 8 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है, तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो वर्षा का जल आपका शुद्धतम रूप होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह में परिवर्तित होती है, किस सतह से परिवर्तित होती है, तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो 18 किमी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है, तो जून से लेकर सितंबर तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में कमिश्नरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जलाने में सहायक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है कि सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला था, तो 1854 ईस्वी में चला था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ था। तो हुमायूं की मृत्यु हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी। तो अकबर के द्वारा लागू किया गया था। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई थी। तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो वो आपका अरब प्रायद्वीप है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो इसमें आपका निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। तो 6 माह के लिए लागू होता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है। तो वो आपका पलीहा करता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होता है। तो स्थिति ऊर्जा होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है। तो टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे.जे. थॉम्सन के द्वारा किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आपके न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का आविष्कार आपके ऑटो हान के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है। तो नाइक्रोम के तार का बनाया जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो लोहे का अयस्क है। कार की बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुआ था। तो वर्ष 1971 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। किस घटना के बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो वो आपका टोक्यो है। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद रक्त कण का कार्य कितना होता है। कार्य क्या होता है यानी कि WBC का कार्य क्या होता है। तो रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। और WBC का जीवन काल कितना होता है। तो WBC का जीवन काल आपका 2 से 4 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। बीजक किसकी रचना है। तो बीजक आपका कबीर दास की रचना है। चांद बीबी कहाँ का शासक था। तो यह आपका अहमदनगर का शासन था। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है। तो इसे आपका ईमेल कहा जाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 मील या 385 गज होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है, देखिए आपका मैराथन दौड़ की दूरी होती है आपका 26 मील और आपका 385 गज होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और अगर आपसे बात करेगा कि मीटर में कितना होता है, किलोमीटर में कितना होता है, तो 42 किलोमीटर होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए किलोमीटर में आपका 42 किलोमीटर होता है। और इस तरह से अगर बात करेगा तो 26 मील 385 गज होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो आपकी झेलम नदी पर है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम कितना होता है, तो 1/10 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो भारत की जलवायु आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है, तो 51% भाग पर खेती होती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका झूम खेती कहते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक राज्य में होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था, तो लाला अमरनाथ के द्वारा लगाया गया था। तो देखिए आज हमने आपके जीके जीएस के कुछ 500 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके आने वाले एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।